हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रेल यात्री में। और आज की जो जर्नी होने वाली है वो है दिलदार नगर जंक्शन से जमानिया रेलवे स्टेशन तक। और हमारी ये ट्रेन सामने खड़ी हुई है जो कि है दिलदार नगर दीनदयाल पैसेंजर। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये पुश पुल टाइप में ट्रेन चल रही है। और ये आप टिकटिंग एरिया देख रहे हैं, ये टिकट काउंटर है दिलदार नगर रेलवे स्टेशन का। और जो हमारी ट्रेन है वो 03641 दिलदार नगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पैसेंजर है। जैसे कि हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं। नज़ारा देख रहे हैं आप, ये है दिल्ली मालदा टर्मिनल एक्सप्रेस जो कि दिलदार नगर पे अराइव कर रही है। और फरक्का एक्सप्रेस दिलदार नगर से डिपार्चर कर रही है। और हमारी ट्रेन दिलदार नगर से डिपार्चर करते हुए दोस्तों, बात करें दिलदार नगर रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म हैं और 4 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती हैं, जिसमें मुगलसराय दिलदार नगर पैसेंजर, दिलदार नगर ताड़ीघाट पैसेंजर मुख्य ट्रेनें हैं। और बात करें हॉल्टिंग ट्रेनों की, तो यहाँ टोटल 70 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जैसे कि श्रमजीवी एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, संगमित्रा एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल आदि ट्रेनें शामिल हैं। बात करें दोस्तों दिलदार नगर रेलवे स्टेशन की, तो इसका स्टेशन कोड है DLN। और यहाँ से आपको ताड़ीघाट जाने के लिए ट्रेन मिलती हैं। और ये स्टेशन हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन पे स्थित है। और दिलदार नगर की बात करें दोस्तों, तो ये गाज़ीपुर में स्थित है। जैसा कि ट्रेन हमारी निकल चुकी है दिलदार नगर रेलवे स्टेशन से, और काफ़ी अंधेरा है इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मौसम काफ़ी सुहावना है। अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारी ट्रेन धीरे धीरे जमानिया की ओर बढ़ते हुए, और आइए दिखाते हैं आपको जिस कोच में हम ट्रेवल कर रहे हैं, वो है डिसेबल कोच। और हमारी ट्रेन रफ्तार पकड़ते हुए दोस्तों, हमारी ट्रेन दरौली रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है। और हम दरौली रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विभूति एक्सप्रेस प्रयागराज रामबाग से हावड़ा के बीच में चलती है, वो क्रॉस हो रही है।
बात करें दोस्तों विभूति एक्सप्रेस की, तो ये मैक्सिमम टाइम अपने निर्धारित समय से ही चलती है। ऑन एवरेज देखा जाए तो विभूति एक्सप्रेस आधे घंटे या एक घंटे डिले रहती है मैक्सिमम। और हमारी ट्रेन भी डिपार्चर कर चुकी है दरौली रेलवे स्टेशन से। बात करें दोस्तों दरौली रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं, जिसमें मुगल सराय पटना पैसेंजर, मुगल सराय बक्सर पैसेंजर और मुगल सराय दिलदारनगर पैसेंजर और मुगल सराय ताड़ेघाट पैसेंजर, जो कि इस स्टेशन पे हॉल्ट करती हैं। और हमारी ट्रेन जमानिया रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुंचते हुए महज ये जर्नी सिर्फ 10 मिनट का है, जो कि टोटल डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर है। और दोस्तों हमारी ट्रेन जमानिया रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। बात करें दोस्तों जमानिया स्टेशन की, तो यहाँ कुल 2 प्लेटफॉर्म है। और बात करें यहाँ ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ट्रेन की, तो यहाँ से कोई भी ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती। और बात करें हॉल्टिंग ट्रेनों की, तो यहाँ से जो मुख्य ट्रेनें हॉल्ट करती हैं वो हैं पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक पटना, जनता एक्सप्रेस, कोटा पटना एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। और हमारी ट्रेन जो कि दिलदारनगर ताड़ीघाट दिलदारनगर मुगल सराय पैसेंजर थी, वो जमानिया स्टेशन से डिपार्चर करते हुए। दोस्तों यहाँ इस ट्रेन में आगे और पीछे दोनों इंजन लगे होते हैं, क्योंकि जो ट्रेन दिलदारनगर से ताड़ीघाट के बीच में चलती है वो लाइन छोटे होने के कारण इस ट्रेन में 2 इंजन लगाए गए हैं। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये है लोकमान्य तिलक पटना जनता एक्सप्रेस, जो कि बिफोर आकर जमानिया में खड़ी हुई है। और ये ट्रेन जमानिया रेलवे स्टेशन से डिपार्चर करते हुए। हालांकि हमारी जर्नी जो थी वो काफ़ी छोटी रही, पर मौसम के कारण काफ़ी सुहावना रहा, क्योंकि बिजली गरज रहे थे, बारिश का मौसम था, तेज़ हवाएं चल रही थी। जर्नी में आनंद तो आया, पर जर्नी बहुत छोटी थी। जनता एक्सप्रेस पटना की ओर जाते हुए और चलिए हम भी अपने घर को चलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।